उसको मुंह में लेना और पी लेना। डॉक्टर विवेकानंद जी प्रोफेसर हैं हमारे, एक 40-45 पुस्तक लिखे हैं, सॉरी 75 पुस्तक लिखे हैं। गौ समग्र नंबर 2000 पेज का एक पुस्तक आ रहा है उनका। उनको डायबिटीज 600 तक था, एक महीने के अंदर वो कंट्रोल में है। उनका नंबर मैं दे सकता हूँ और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। इंसुलिन भी धीरे धीरे टैबलेट में आ जाएगा, टैबलेट से धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। 6 महीने साल भर के अंदर में आप आराम लाइफ जीवन जाकर कर सकते हैं। भोजन और विश्राम का थोड़ा सा नियम रखना। तो ऐसे गाय के पंचगव्य के आधार पर हम लोगों ने इतने सारे प्रयोग कर सकते हैं। माँ के दूध में दोष आ जाता है, बच्चे खाता है तो बच्चे की बीमार हो जाता है, और हम बच्चे को दवाई देते हैं, माँ वही दूध पिलाती रहती है, ऐसा होता है ना। बड़ों जितने से बड़े बड़े लोग हैं उनको तो ध्यान में आता हूँ, वैसे ठीक बोल रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ कि गलत है? आप तो नाते नाते देख लिए होंगे ना, पोता पोत देख लिए होगा, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट किसको करते हैं? जैसे भाई यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड किसको देते हैं? फसल बढ़ाने के लिए पेड़ को देते हैं, आएगा विषय आपके सामने डिटेल। लेकिन देना किसको चाहिए? भूमि को देना चाहिए। तो भूमि के सुपोषण को छोड़ करके हम पेड़ को देखते हैं और ये हमको समस्या में डालता है, तो भूमि हमारा बंजर बनते जा रहा है। लेकिन भूमि की रक्षा करने वाला कौन है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला कौन है? नीचे रहने वाले माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीवाणु है, केचुआ है। तो हम जो गोबर गौमूत्र में खाद बनाते हैं जो देते हैं वो उनके लिए देते हैं, उन्होंने मिट्टी को बनाता है, मिट्टी उर्वरा मिट्टी को पेड़ लेता है, पेड़ हमको फल मूल दे देता है। ये साइकिल है, इसको कैंची लगाकर विदेशी लोगों ने काटा। तो इस प्रकार का हम सब लोगों ने थोड़ी सी अपना चिंतन करेंगे तो बहुत ही कम पैसे में पंचगव्य के माध्यम से हम इसका चिकित्सा कर सकते हैं। तो माँ का दूध की समस्या गाय का दूध से ठीक होता है। कंटिन्यूसली 21 दिन तक उसको गाय का दूध पिलाएं, बिना चीनी का, बिना गुड़ का, केवल गाय का दूध। अगर कोई एसिडिटी है, सवेरे वाले दूध में आप घी डाल दीजिए एक चम्मच, एक ग्लास में, ग्लास मतलब ये ग्लास नहीं है, ये तो चाय का ग्लास है, दूध की ग्लास है। शाम को एक चम्मच हल्दी मिला के पीजिए, तो शरीर के ब्लड के अंदर की जो समस्या वो भी दूर होगी, कैल्शियम मिल जाएगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। गाय के दूध से माँ के दूध की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, माँ के दूध की शुद्धता आ जाएगा, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, बच्चे को दवाई जरूरत नहीं। मैं पेड़ के बारे में बताया ना, तो भूमि ठीक कर दीजिए तो पेड़ ठीक हो जाएगा, हमको फल मूल सब कुछ ठीक मिलेगा। ऐसे ही इस प्रकार का हम गाय के सहारा में इतने सारे काम कर सकते हैं। गाय की मृत्यु के बाद में, सांड की मृत्यु के बाद में, बैल की मृत्यु के बाद में उसको कसाई खाना में ना बेचते हुए समाधि देते हैं। उसमें जो समाधि खाद निकलता है वो 1 एकड़ जमीन में 1 गाय, 1 बैल, 1 सांड का सुरक्षा है। अगले 10 साल तक भी कहते हैं वही खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, कैसे भी बंजर भूमि है वो ठीक कर देता है। उसके सिंग से जो खाद निकलती है, बड़ी सिंग अगर कांग्रेस वाला, साहिवाल वाला हो, बड़ी सिंग वाला हो, तो उसमें 1000 से ज़्यादा एकड़ जमीन को हम खाद बना सकते हैं, खेती बना सकते हैं। इतनी ताकत गाय का सिंग के खाद में। 1 ग्राम को अमेरिका में 1000 रुपया इंडिया करेंसी के अनुसार बिक्री होता है। जो पत्थर, चिकमिक पत्थर से बनाते हैं उसका 1 ग्राम में 100 गुना पानी मिला करके 1 एकड़ के लिए सबसे। जो गोबर से सिंग में डालकर बनाते हैं तो उसका 10 ग्राम में 100 गुना पानी, 100 लीटर पानी मिला करके हम कर सकते हैं, तो 1000 लीटर भी मिला सकते हैं, उतने ही चाहिए। ड्रिप्स में डाल सकते हैं, ऐसे सिंचन कर सकते हैं, इतनी ताकत सिंग के खाद में है। गाय मरने के बाद में गुजरे सुदर्शन जी सब चीफ मिनिस्टर को बताया, गाय मरने के बाद 40 से 50 लाख रुपए आपको देती है, बड़ी सिंग वाला है।
नहीं तो गाय के शरीर के जितना है उतना देते हैं। तो गाय के ऊर्जा, गाय के माध्यम से हम इस प्रकार का काम कर सकते हैं। गाय बैल दोनों ही हमारे लिए उपयोगी।